एक बहुत ही दुखद और अप्रिय घटना हो गई है हमारे बिहार में। बिहार के अगवानी घाट में बन रहा अगवानी घाट पुल ध्वस्त हो गया है, गिर गया है, गंगा नदी में समा गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। होता क्या है कि जब आप सुल्तानगंज से अगवानी घाट या अगवानी घाट से सुल्तानगंज के लिए जाते हैं तो पुल बनता हुआ पुल काफ़ी सुंदर दिखता है। कई बार हमने भी रिकॉर्ड किया है और इसी कड़ी में कुछ लोग पुल की तस्वीर को रिकॉर्ड कर रहे थे और ये हादसा हो गया और लाइव तस्वीर, पुल के गिरने की लाइव तस्वीर लोगों के सामने आ गई, वरना लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर हुआ कैसे, कैसे गिरा। तो देख सकते हैं कि कैसे अभी टुकड़ों टुकड़े बनता हुआ पुल का एक सिरा भसका है और उसके साथ ही पूरा का पूरा पुल जो है गंगा नदी में समा गया है। 1717 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल का निर्माण किया जा रहा था। लगभग 1717 करोड़ रुपए इसमें लग रहे थे। 2015 को इसका कार्य प्रारंभ हुआ था और फरवरी में 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा इस पुल का शिलान्यास किया गया था। टारगेट था इसका जल्द जल्द पूरा करने का, लेकिन जब बढ़ते 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 इसकी जो कार्य समाप्ति की तिथि थी वो 30/6/2022 को निर्धारित की गई थी, लेकिन वो भी पार हो गया है। और ये जो तस्वीर हमने रिकॉर्ड किया है ये देख सकते हैं, ये बोर्ड वगैरह का जो तस्वीर है, चाहे और जो तस्वीर वो दिसंबर 2023 में हमने रिकॉर्ड की थी, आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। ये तो आपका पुल गिर गया है, जो गिरता हुआ पुल देख रहे हैं, लेकिन बना हुआ पुल भी दिखाते हैं जो हमने दिसंबर 2023 में शूट किया था। और ये देख सकते हैं ये काफ़ी सुंदर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पुल काफ़ी सुंदर बन रहा था, काफ़ी अच्छा बन रहा था, और अचानक ये ऐसा हादसा हो गया है जो एक सोचने पे विवश करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अप्रैल 2022 में भी पुल ये ध्वस्त हुआ था, वहाँ पे सुपरस्ट्रक्चर गिर गया था इसका, लेकिन सुल्तानगंज साइड में गिरा था तो उस समय भी ये क्वेश्चन के दायरे में आ गया था, लेकिन फिर भी काम चलता रहा और जो प्रक्रिया हैं वो भी चलती रही और दोनों साथ साथ चलता रहा और अंततः पुल गिर गया। अब इसकी क्वालिटी ख़राब है, डिजाइन ख़राब है, या फिर वहाँ का मिट्टी का ख़राब है, क्योंकि पाया का टूटना बहुत बड़ी बात है, और कुछ टूटता है तो नहीं कहते, लेकिन पाए के निर्माण में काफ़ी सावधानी बरती जाती है। और गंगा नदी में पायों का निर्माण होता है तो जो वेल सिंकिंग होता है तो उसमें कहीं से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आखिर ये क्यों गिरा, कैसे गिरा और कैसे हुआ ये हादसा, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी सच्चाई ये है कि खगड़िया जिले और भागलपुर जिले को कनेक्ट करने वाला गंगा नदी पर बन रहा पुल ध्वस्त हो गया है। तो ये तस्वीर आपके सामने है और मैंने दोनों तस्वीर दिखा दी है आपको, एक तस्वीर जो अभी ताज़ा आया है और दूसरी तस्वीर वो जो मैंने रिकॉर्ड किया था दिसंबर में। तो उम्मीद है ये खबर तो अच्छी नहीं लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। इंसिन का नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।